15 डेज लग जाते हैं। कितने लोग इस चीज से रिलेट करते हैं सच बताना मुझे कमेंट करके। वेलकम बैक टू माई चैनल एंड टुडे आई एम ब्लॉगिंग। मैं ब्लॉगिंग बहुत दिनों के बाद कर रही हूँ क्योंकि जब से मैं भोपाल से आई हूँ मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया। इनफैक्ट जो भोपाल वाला भी लास्ट ब्लॉग शूट किया था वो आज मैं एडिट करके डालने वाली हूँ, बिकॉज वहाँ से आने के बाद मेरे को बहुत ज़्यादा कफ एंड कोल्ड हो गया था। एंड मुझे जब भी कफ एंड कोल्ड होता है तो मेरा ये पूरा सिर इतना ज़्यादा हैवी हैवी सा रहता है कि इनफैक्ट मैं कोई वीडियो भी ब्रांड ब्रांड वाला कर रही हूँ तो वो बैठ करके नॉर्मल शांति से बातें करके और वैसा कर लेती हूँ। मतलब मैं एनर्जेटिक फील नहीं करती हूँ, मुझे थोड़ा लो सा फील होता है, मुझे कफ एंड कोल्ड होता है। तो उसके बाद मुझे इतना ज़्यादा कफ हो गया था, कोल्ड दो तीन दिन चला, कोल्ड तो अभी भी है, आपको मेरी आवाज़ से थोड़ा सा फील हो रहा होगा। एंड उसके बाद मेरे को कफ स्टार्ट हो गया था। फाइनली अभी थोड़ा मैं बेटर फील कर रही हूँ, अभी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है बट अब मैं थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ। एंड अब विक्की को स्टार्ट हो चुका है तो यू नो वेदर इतना गंदा चल रहा है बहुत ज़्यादा। हम लोग मुंबई में रह करके आई थिंक बहुत सारी सिटीज़ में ऐसा हो रहा होगा कि वो लोग ठंड भी फील कर रहे हैं, सेम टाइम बारिश भी फील कर रहे हैं एंड एट द सेम टाइम ह्यूमिडिटी एंड गर्मी भी फील कर रहे हैं। तो जैसे अभी ह्यूमिडिटी हो रखी है, सुबह सुबह ठंड हो जाती है, अभी थोड़ी देर बाद बारिश स्टार्ट हो जाएगी, तो एक ही दिन में हम सारे वेदर जो है वो फील कर रहे हैं। सो दिस इज़ ऑब्वियसली अ रिजल्ट ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस। इसलिए मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी, मुझे काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे। इनफैक्ट मैं इंस्टा पे भी एक्टिव नहीं थी। मैं कब की वो सिरप लेती हूँ, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स तो मैं कर ही रही हूँ बट जब बहुत बेचैनी हो जाती है तो मैं वो भी ले लेती हूँ, एलोपैथी भी ले लेती हूँ। तो जब मैं एलोपैथी लेती हूँ तो एलोपैथी लेने के बाद मुझे सोचता है मैं सिर्फ सोती रहूँ, दिन भर सोती रहूँ और कुछ काम नहीं करूँ, तो वैसा। और आज है देव उठनी 11, अकॉर्डिंग टू द हिंदू माइथोलॉजी आज से देव उठ जाएंगे, मतलब अब से शादियाँ स्टार्ट हो जाएंगी। तो अभी फिर मुझे 6 डेज बाद ट्रैवल करना है अगेन टू माई होम टाउन। मेरी मासी के बेटे की शादी है, मतलब मेरे कज़िन की शादी है, तो फिर से मैं ट्रैवल करने वाली हूँ। बस मैं कोशिश कर रही हूँ तब तक मेरा ये जो है ये ठीक हो जाए क्योंकि अदरवाइज़ फिर मैं शादी इन्जॉय नहीं कर पाऊँगी। तो आज मुझे जो देव उठनी की पूजा है वो करनी है, एक वीडियो एडिट करना है, देन ये जो मेकओवर वाला वीडियो है ये शूट करना है प्रॉपरली। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का दिन। तो एज यू ऑल नो कि मैं काफ़ी टाइम से ये ओजीवा का प्रोटीन एंड हर्ब्स फॉर वेमेन ले रही हूँ। जब से मैं इनके साथ कोलैबोरेशन में आई हूँ उसके पहले से मैं इनका प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, मतलब डेढ़ साल से भी ऊपर होने वाला है एंड आई एब्सोल्युटली लव इट। बिकॉज मुझे कफ एंड कोल्ड हो रखा है तो मैंने जितने भी मैं अपने आंवला ड्रिंक्स एंड व्हीट ग्रास जूस वगैरह ले रही थी वो अभी थोड़े दिन के लिए स्टॉप किया है क्योंकि मैंने देखा है कि उसकी वजह से मेरे को और ज़्यादा स्नीजिंग हो रही थी। और क्योंकि जब आप बीमार होते हो तो आपकी बॉडी इतनी वीक हो जाती है, खाना पीना ढंग से नहीं होता है। मैं शुरू के 2 से 3 दिन तो मैंने रोटी भी नहीं खाई है, आई वॉज जस्ट टेकिंग मिल्क विद ब्रेड, दैट्स इट। तो मेरी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा वीकनेस और डलनेस आ गई थी। मैं कोशिश करी थी कि मैं हर दिन इसको दूध के साथ लूँ, अदरवाइज पानी के साथ ज़रूर लूँ एंड ट्रस्ट मी इट गिव्स एन इंस्टेंट एनर्जी टू माई बॉडी और थोड़ा सा आपको बेटर फील होता है। इसको लेने से, एक ग्लास लेने से मुझे काफ़ी फिल इन लगता था अंदर, ऐसे भूख भूख और वीकनेस टाइप्स नहीं लगती थी। तो नॉट बिकॉज आई एम कोलैबोरेटिंग विद दिस ब्रांड दैट्स व्हाई मैं इतनी सारी बातें बोल रही हूँ, यू नो दैट जो रियल है वो रियल है। बट ट्रस्ट मी, इवन वन ऑफ माई फैमिली फ्रेंड इज प्रेगनेंट एंड शी आस्क मी अबाउट दिस इफ शी कैन टेक इट और नॉट। आई लिटरली सजेस्टेड हर टू टेक दिस बिकॉज दिस इज रियली गुड और काफ़ी बेनिफिशियल है, ये लेना चाहिए लेडीज़ों को। और तो सिर्फ मैं एक स्कूप वाटर के साथ लेती हूँ और वही मेरा ब्रेकफास्ट होता है, चॉकलेट फ्लेवर का होता है तो लगता भी बहुत टेस्टी है और आपको कुछ भी इसमें शुगर कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी तरफ से 200% रिकमेंडेशन है हर लेडी को 25 से 30 के बीच में अपने डाइट में प्रोटीन्स हो गया, मल्टीविटामिन्स हो गया, ये इंक्लूड स्टार्टिंग कर देना चाहिए। अभी हम अपना नॉर्मल रूटीन स्टार्ट करते हैं। अभी जस्ट आई हैव टू टेक शावर और क्योंकि आज तुलसी विवाह है तो मुझे यहाँ पर पूरा सेटअप वगैरह भी करना रहेगा, तो मैं फटाफट से शावर लेती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। मैं आपको ना एक और चीज़ दिखाती हूँ, वेट। ओके, कैन यू सी दिस, माई ट्रॉली बैग। तो मुझे ना पैकिंग करने में तो टाइम नहीं लगता है बट अनपैकिंग करने में मैं इतनी लेजी हूँ, पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा लेजी फीलिंग होता है अनपैकिंग करने में, क्योंकि मुझे 7 डेज बाद निकलना ही है। तो मैंने वो सामान वैसे ही उसके अंदर रखा हुआ है, बस मैं
जो भी चेंज करना है वो चेंज करूंगी और रखूंगी और वापस से निकल जाऊंगी. तो मैंने इसको अनपैकिंग नहीं किया. पैकिंग करने में मुझे सिर्फ हार्डली 2 आवर्स लगते हैं, लेकिन अनपैकिंग करने में मुझे 15 डेज लग जाते हैं. कितने लोग इस चीज़ से रिलेट करते हैं सच बताना मुझे कॉमेंट करके. और अब मैं फटाक से शावर ले लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ. टिल देन बाय. Hey guys, so I just took a shower and मैं late हो गई इसलिए because I just washed all the curtains. जो भी hall के curtains थे पुराने वाले उन सबको wash कर दिया है. and wash करने के बाद इस वाले unit के अंदर मेरे सारे curtains and cushion covers रहते हैं. and अभी मुझे थोड़ी सी editing करनी है तो मैं वो करने के लिए बैठ रही हूँ. उसके बाद मैं जाऊँगी market. 2-3 काम है मुझे, तो तब मैं आप लोगों को अपने साथ लेकर के चलूँगी. तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में. टिल देन बाय. तो अभी वीडियो मेरा हो रहा है एक्सपोर्ट. वीडियो एक्सपोर्ट हो रहा है एंड मुझे जाना है कुशन कवर लेने के लिए. ये जो आप कुशन कवर देख रहे हैं ना, तो ये दो तो चलेगा बट ये दो जो है ये बिल्कुल भी थीम से मैच नहीं हो रहे हैं. तो मैं जस्ट अभी फटाक से सोच रही हूँ वेस्ट साइड जाने का. एक्चुअली आज विक्की भी जल्दी निकल गया है क्योंकि विक्की को भी बहुत तेज़ सर्दी हो रही है और आज 11 से पूजा वगैरह भी हम लोगों को करना है. तो थोड़ा सा सामान लेने के लिए जाने वाले हैं. तो वो आ रहा है, जब तक वो आएगा तब तक तो मैं शायद कुशन कवर लेकर के भी आ जाऊंगी. तो और मैंने सोचा था कि आज मैं शूट कर लूँगी जो अपना पूरा ये है कि कैसे कैसे मैंने मेकओवर किया है. बट आई गेस कि आज हो नहीं पाएगा बिकॉज अभी मुझे पूजा की तैयारी भी करनी है और ऐसे छोटे मोटे 2-3 काम करने हैं. तो फिर मैं कल करूँगी, तो ऐसा मैंने सोचा है. सो लेट्स सी. हे गाइस, तो अभी जस्ट मैं कुशन कवर लेकर के आई हूँ. दिस इज़ फ्रॉम दिख रहा है नहीं वेस्ट साइड, होम सेंटर नहीं गई थी. दिस इज़ फ्रॉम वेस्ट साइड और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, इस थीम से जा रहा है. सो दैट्स वाई मैं ये लेकर के आई हूँ और थोड़ा अलग सा भी लग रहा है. और ये है विक्की. विक्की आपका हैंड मूवमेंट बताओ कितना है. बस इतना ही है, स्ट्रेट नहीं हो रहा है अभी. हाँ, धीरे धीरे मूवमेंट वापस आ रहा है. तो डॉक्टर ने बोला है कि एक्सरसाइज करते रहना है वैसा. और अब मैं फटाक से ना पूजा की तैयारी करती हूँ, रंगोली वगैरह बनाना स्टार्ट करती हूँ. और ये हम लोग गन्ना लेकर के आ गए हैं, ये रखा है. तो यस, तो ये जो जगह देख रहे हैं आप, यहीं पर हम लोग तुलसी विवाह करने वाले हैं बिकॉज तुलसी जी हमारी यहीं रहती हैं. तो आई थिंक ये बेस्ट जगह होगी. इसके ऊपर मैं जो तुलसी विवाह की जो रंगोली होती है वो बनाऊंगी बिकॉज आज के दिन भी रंगोली बनाने का महत्व होता है. तो बिकॉज यहाँ पर कोई जगह नहीं है तो ये बना करके यहाँ पर रख दूंगी मैं. तो ये हम लोगों की पूरी प्रेपरेशंस हो गई है. यहाँ पर मैंने रंगोली रख दी है, ये तुलसी जी हैं और ये ऐसे बना दिया है, ये शालीमार भगवान जी है और पूजा की थाली वगैरह सब कुछ यहाँ रख दिया है बिकॉज स्पेस बहुत ही ज़्यादा कम है. तो छोटे से स्पेस में हम लोगों को मैनेज करना पड़ रहा है. बट अब मैं फटाक से रेडी हो जाती हूँ. विक्की एक्चुअली थोड़ा सा फीवरिश फीलिंग हो रहा है तो वो सो रहा है, उसको भी उठाती हूँ एंड देन हम लोग फटाक से पूजा करते हैं.
guys, so I recently received this Agaro air fryer. तो बेसिकली मैंने परचेस नहीं किया है, ये मुझे आया है ब्रांड की तरफ से. गलत ब्रांड्स के आते हैं एयर फ्रायर. तो मैंने इसको कभी इससे पहले यूज़ नहीं किया है, तो आई वॉज रियली एक्साइटेड टू ट्राई दिस आउट. इवन मैंने काफ़ी सारा देखा भी कि इससे क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं एंड बेसिकली ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है. तो सबसे पहले मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देती हूँ कि ये कैसा दिखता है एंड कैसा मेरे पास आया है. तो यहाँ पर इसके जो की फीचर्स हैं, पहले हम वो देख लेते हैं ओपन करने से पहले. तो ये लिखा हुआ है 3D यूनिफॉर्म हीटिंग टेक्नोलॉजी पे ये काम करता है. देन दिस इज़ नॉन स्टिक बकेट फॉर इजी क्लीनिंग. उसके बाद ये टेम्परेचर कंट्रोल करता है 200 डिग्री से 30 मिनट तक का टाइम सेट करता है एज पर द रेसिपी रिक्वायरमेंट. उसके बाद इसमें रेडी बेल है, जब भी फूड रेडी हो जाएगा आपको बेल आएगी. उसके बाद ओवर हीट प्रोटेक्शन है, अपने आप से बंद हो जाएगा. ये नेक्स्ट है हीट रेसिस्टेंस प्लास्टिक बॉडी हैंडल. देन एक्स्ट्रा लॉन्ग पावर कॉर्ड फॉर इजी एक्सेस. तो इस पर जो रेसिपीज दी हुई हैं वो बहुत ही ज़्यादा मुझे टेम्पटिंग सी लग रही हैं, और अब मैं इसको ओपन करके आपको दिखाती हूँ. साथ ये 3.2 लीटर्स का है. ये है वो प्रोडक्ट. काफ़ी अच्छा सा इसका डिज़ाइन लग रहा है. एंड यहाँ पर जो दिया हुआ है, दिस इज़ टाइमर. ये टाइमर सेटिंग है, तो 0 से लेकर के 30 मिनट्स तक का इसमें टाइमर सेटिंग दिया हुआ है. एंड ये जो है ये टेम्परेचर सेटिंग है, तो इस तरह से ये ओपन होता है. तो ये जो है ये आयरन की दी हुई है, बाकी पूरी जो बॉडी है दैट इज़ ऑफ प्लास्टिक. इवन ये भी आयरन का दिया हुआ है. तो इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी स्लीक एंड छोटा सा डिज़ाइन है. आई थिंक जितने भी एयर फ्रायर्स आते हैं वो ऑलमोस्ट इसी तरह के शेप एंड साइज के आते हैं. सो आई एम रियली एक्साइटेड टू ट्राई दिस आउट. मैं तो नॉनवेज नहीं खाती हूँ, तो आप जो वेज वाले हैं इसमें पोटैटो वेजेस बना सकते हैं, फ्रेंच फ्राइज बना सकते हैं, समोसा बना सकते हैं. इसमें कम ऑयल लगता है, इवन आप इसमें ऑलिव ऑयल में कुकिंग कर सकते हैं. जनरली हमारा जो इंडियन कुकिंग पैटर्न होता है, हम उसमें ऑलिव ऑयल के साथ खाना नहीं बना सकते हैं, बिकॉज यू नो ऑलिव ऑयल का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, तो उसी टेम्परेचर से ऊपर वो नहीं जाना चाहिए. बट इसमें आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हो. तो फिलहाल तो एक्चुअली वी बोथ हैव टू मच कफ एंड कोल्ड, तो अभी हम ये सब चीज़ें नहीं खाना अवॉइड कर रहे हैं. बट मैं अपने नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में ज़रूर इसको यूज़ करके, क्योंकि वी बोथ आर फ्रेंच फ्राइज लवर, तो हम लोग फ्रेंच फ्राइज या जो भी पोटैटो वेजेज या जो भी हमको लगता है वो इसमें ज़रूर बना करके ट्राई करेंगे. एंड करना तो इज़ वेरी वेरी सिंपल. आई मीन ये माइक्रोवेव से भी ज़्यादा सिंपल है इसको यूज़ करना. यहाँ पर टाइमर दिया है और यहाँ पर आपको सिर्फ कौन से टेम्परेचर में रखना है वो दिया हुआ है, दैट्स इट. तो यूज़ करना बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. तो आई एम श्योर सब लोग गाना सुनना बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे, तो आप लोगों के लिए मेरे पास एक छोटा सा मज़ेदार सी चीज़ है. तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है और आपको सिर्फ एक छोटी सी चीज़ करनी है, आपको नीचे कमेंट करना है और लिखना है कि यू आर इन फॉर द एंट्री, एंड साथ ही साथ अपने 3 फ्रेंड्स का नाम टैग करना है. उन 3 फ्रेंड्स को उस कमेंट के नीचे कमेंट करके बताना है दैट दे आर आल्सो इन फॉर दिस एंट्री. तो आप लोगों को गाने प्लस का 3 मंथ्स का फ्री सब्सक्रिप्शन मैं आप लोगों को देने वाली हूँ. तो ऐसा मैं 10 लोगों के साथ करने वाली हूँ. सो बहुत ईजी सा है, सिंपल सा है. जस्ट यू हैव टू डू कि आप इन है फॉर दिस एंट्री एंड आपको ये वीडियो क्यों पसंद आया है और आपको मेरा चैनल क्यों पसंद है. आपको सिर्फ इसके छोटे से आंसर्स देने हैं, दैट्स इट. और मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में. टिल देन बाय. बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपने आपका जो पुराना टीवी यूनिट है वो क्यों सेल कर दिया, आप रेंटेड अपार्टमेंट में रहते थे. उसके बाद एक और जो स्टडी यूनिट है वो क्यों सेल कर दिया, अब आप कहाँ बैठ के काम करोगे. तो मैं आपको बताती हूँ, ये जो एरिया है ना, यहाँ पर मेरा स्टडी यूनिट था, ठीक है. और मेरे घर पे एक डाइनिंग टेबल है और ऑलरेडी एक फोल्डिंग वाला टेबल है जो कि हम लोगों ने होम सेंटर से लिया था, जो कि 2-सीटर डाइनिंग टेबल है जिसको फोल्ड कर लेते हैं. विक्की जिस पे काम करता है वो बेडरूम में रखा हुआ है. तो कितने टेबल हो गए हमारे यहाँ, 3 टेबल हो गए. एक स्टडी टेबल, एक डाइनिंग टेबल, एक वो वाला टेबल. हमें कितने लोग रहते हैं, सिर्फ 2 लोग रहते हैं. तो वो जो स्टडी टेबल था, मुझे ऐसा लग रहा था वो कोई यूज़ का ही नहीं है, क्योंकि जब समर्स होती है तो मैं बेडरूम में बैठती हूँ, क्योंकि मुझे एसी चाहिए रहता है. यहाँ पर एसी नहीं है, तो सिर्फ 4-5 मंथ्स के लिए यहाँ पर रखना, जगह वो बहुत घेर रहा था. और मुझे ना ऐसा कुछ यूनिट बनवाना था, इस तरह का यूनिट जिसमें सब कुछ आ जाए. तो उसका जो भी सामान है वो पूरा इसमें फिल इन हो गया है. हमारी शू रैक जो है वो ये हमारी शू रैक भी है, ये हमारा स्टोरेज यूनिट भी है. हमारे स्टडी टेबल का जो भी सामान है वो यहाँ पर शिफ्ट हो गया है.
तो काफ़ी कुछ इसमें सब कुछ हम लोगों ने फिट कर दिया है. तो वो स्टडी टेबल बहुत अच्छे प्राइस में OLX पे निकल गई, क्योंकि वो ऑब्वियसली नई थी, हार्डली उसको 6 या 7 मंथ्स हुए थे, तो वो चली गई. और मैं काम करने के लिए, मेरे पास ये डाइनिंग टेबल है, या तो मैं इस पर बैठ सकती हूँ या अंदर वाला जो टेबल है मैं उस पर बैठ सकती हूँ. तो मुझे एज सच कोई यूज़ नहीं लग रहा था उस टेबल का, इसलिए मैंने वो निकाल दिया. और टीवी यूनिट तो मुझे निकालना ही था, क्योंकि वो इतनी कोई खास नहीं थी और बड़ी भी नहीं थी, तो थोड़ा ऐसा टीवी यूनिट लेना था जो लेना था, बस हमको चेंज करना था, तो वो हम लोगों ने चेंज कर लिया है. और क्या क्वेश्चन थे? बस यही आई थिंक मेकओवर को लेकर के यही क्वेश्चन आ रहे थे. और अगर आपने मेरा मेकओवर नहीं देखा है तो जाइए और देखिए, लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी मैं. दोनों देखिएगा, जो मेकओवर प्रोसेस कर रही हूँ वो भी, और जो पूरा फाइनल लुक है वो भी. और मुझे बताना ज़रूर कि आपको कैसा लगा उस पर. तो आज का जो वीडियो है वो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, और मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में. और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो. एंड मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.